गाइस आज का जो ब्लॉग है वो है सीताराम ट्रैवल्स के साथ। देख सकते हो आप, हमारे साथ है आसिफ भाई और सानू भाई, द लेजेंड जोड़ियो एवर इन द हाईवे। और आपको बताएंगे आज हाईवे पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। देखिए अभी फिलहाल बहुत ही मज़ा आने वाला है, एक्साइटिंग ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है थोड़ी देर में। और ये देखो यहाँ पे हमारे सेजू भाई और ये लोग जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपको अभी मुलाकात करवाते हैं। स्टाफ की आज मैं अगर बात करूँ तो हमारे आसिफ भाई है और सानू भाई। कैसे हो सानू भाई? बढ़िया एकदम। और आसिफ भाई आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सानू भाई को कैसा है अभी? ओके, सो आज हम सानू भाई के साथ जाएंगे महुआ तक, तो आपको आगे अभी दिखाएंगे थोड़ा। अभी फिलहाल ट्रैफिक है, हाईवे पर गाड़ी चढ़ती है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो अभी हम फिलहाल घोड़बंदर का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। फुल एसी बस है ये, और इंटीरियर की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा इंटीरियर दिया गया है, एकदम क्लीन। एंड ड्राइवर में है सानू भाई एंड आसिफ भाई। सो अभी फ़िलहाल वो पैसेंजर्स पिकअप कर रहे हैं, एक बार उनका भी वर्क है तो वो एक बार कंप्लीट होता है देन मैं आपको आगे ड्राइविंग दिखाऊँगा। फ्रॉम मुंबई टू महुआ जो कि 800 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। सानू भाई हमारे साथ ड्राइविंग में और आसिफ भाई है, तो ये दोनों है ड्राइवर्स है जो आज हमें महुआ तक पहुँचाएँगे। जो मोस्टली जो गाड़ी है वो मॉर्निंग 6 तक महुआ पहुँच जाएगी। और अभी फ़िलहाल हम लोग विरार से निकल चुके हैं एंड वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स महाराष्ट्र बॉर्डर। उससे पहले चारोटी चिकनाका आएगा एंड ड्राइविंग में जिसके आज सानू भाई ने साथ में आसिफ भाई को भी लेके आया हूँ, तो दोनों ही पायलट है हमारे साथ। नवा चश्मा ले लिया सानू का, चश्मा अपने नवा ले लिया। सानू भाई कहाँ तक गाड़ी चलाओगे? भरूच तक, फिर उसके बाद आसिफ भाई आएंगे नाइट में। दीदी भावनगर अजमा यहाँ पर। और ये देखो ये BS4 है ना, BS4 है, BS6 भी पीछे पड़ती है इसके, पावर इंजन का ये उस टाइम का। तो सानू भाई आपको BS4 पसंद है BS6? BS4 खींच नहीं उतनी खींच सकते हो इसको। और ये AC बस है, मैं आपको बता दूँ ये AC बस है मुंबई से महुआ के लिए। पिछला जो व्लॉग देखा था वो था पक्या भाई और फारूक भाई के साथ, आज आपकी स्पेशल डिमांड पे हम लोग लेके आ गए सानू भाई और आसिफ भाई का व्लॉग। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। ये देखो आ गया सिर का दर्द विराट टोलना का, आगे देखिए भारत महारुद्रा, इसमें हनीफ भाई है और सेजू भाई है। तो रिटर्न का व्लॉग आपको कुछ अच्छा और देखने मिलने वाला है, क्योंकि आपको भूमि दिखा दी मैंने, अभी सीताराम के साथ चल रहे हैं हम, सो कुछ न्यू आपको दिखाएंगे। हनीफ लाला है, हनीफ लाला। अभी न्यू आई भी ना नो ओपनिंग में वीडियो भी मैं कर रहा हूँ। लग रही है फिलहाल ये टाइम पे बारिश आ जानी चाहिए थी बट बारिश आई नहीं है, तो ये है कि मतलब पैसेंजर्स के लिए तो अच्छा है कि उनको AC मिल रहा है, बट ड्राइवर्स के लिए क्या, गर्मी लगती है। और ये हमारे कंडक्टर साहब जो कि हमारे साथ चलेंगे महुआ तक,
तो आपको भी गर्मी तो बहुत लगती है रोड पे, इसमें अगर गलती से पंचर हो गया तो हालत ख़राब, तो ऐसी सब हालत है। और ये कुछ सीताराम के बहुत ही अच्छे पैसेंजर्स हैं जो साथ में इंजॉय कर रहे हैं। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगती है? सुपर, चलने में, टाइमिंग में फैंटास्टिक। ओके, और टाइमिंग के मामले में तो बोलना ही नहीं है, पंचुअल, एकदम पंचुअल। ड्राइवर्स आर वेल बिहेव्ड, ड्राइवर्स एंड गुड स्टाफ इज गुड एंड सुपर। होटल से निकल गए, ये देखो ये सहयोग होटल थी, और यहाँ से हम निकल चुके हैं। और ये हमारे सानू भाई है। तो सानू भाई अभी नाश्ता कर लिया हमने, आपने भी नाश्ता कर लिया, फ्रेश हो गए एकदम। अभी गाड़ी चलाओगे कहाँ तक? भरूच तक आप चलाओगे। ओके, उसके बाद फिर भावनगर से चलाओगे, भावनगर से मवा तक चलाओगे आप। और गाड़ी चलाने में कैसा मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, रोड अच्छे हैं, खुले हैं। ओके, अभी देखो सानू भाई ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएंगे। ये है सीताराम की झलक जो कि है सबसे अलग। हम है होटल सहयोग में, जो कि है बॉर्डर क्रॉस करके अराउंड 2 या 3 किलोमीटर है बॉर्डर से, गुजरात बॉर्डर से कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है ये होटल। और ये देखो यहाँ और कोई गाड़ी नहीं खड़ी रहती, सिर्फ सीताराम ही खड़ी रहती है। ये इसका बैक व्यू है गाड़ी का, एंड दिस इज़ द राइट व्यू। हमारे आसिफ भाई है जो कि अभी पैसेंजर्स को चढ़ाएंगे। और हमारा जर्नी है 800 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू महुआ। तो यार ये गाड़ी देख के कुछ अलग ही फीलिंग आता है सही में। ये गाड़ी गाड़ी है, ये देखिए। तो सानू भाई हम अभी कहाँ पहुँचे हैं? बिलाड़ पहुंचे हम अभी।
जलाराम काठियावाड़ी आप देख रहे हो सामने, ये बहुत अच्छी और फेमस होटल है। यहाँ पे खाना भी बहुत सही मिलता है ऐसा हमारे आसिफ भाई बोल रहे हैं। देखो आगे राजस्थान की बेनीवाल है, सो गाइस हेलो हेलो, हम लोग अभी वापी क्रॉस कर चुके हैं और उदवाड़ा की तरफ पहुंच रहे हैं। आगे देखिए कोडियार की बस है और हमारे शानू भाई यहाँ पे ड्राइविंग पे लगे हुए कंटिन्यू। गर्मी बहुत लग रही है लेकिन फिर भी गाड़ी तो चलानी है और ये देखिए अभी कंटिन्यूस गर्मी लग रही है हमें। हमारे आसिफ भाई भी बैठे हैं बेचारे गर्मी के, क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं, गाड़ी तो पैक टू पैक ही चलती है। राजू भाई आपको कितना टाइम हो गया सीताराम में? 11 साल से आप चल रहे हो। ओके, तो आपको और शानू भाई को मोस्ट ऑफ देखने जाएंगे तो सेम साल ही हुए। 20 साल। आपको 20 साल हो गया शानू भाई? हाँ। आप कौन से साल में चालू किए थे? 2000 में। ओके, देखिए सामने खोडियार एसी और हमारी भी है एसी। आगे क्या ही हाईवे बनाया है, ऐसी हाईवे पे रेसिंग करो लेकिन ध्यान से करो क्योंकि हाईवे कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। क्रॉस कर चुके हैं, ये देखो अभी फिलहाल यहाँ पे तूफान की आगाही है, सामने बादल देखिए कैसे जम गए हैं यहाँ पे, और डर तो नहीं लग रहा है लेकिन ये है कि तूफान आने वाला है। शानू भाई चला रहे हैं हमारे गाड़ी और हाईवे हमें मिल रहा है अभी खाली, फिलहाल उतना कुछ है नहीं ट्रैफिक। क्या लगता है तूफान आएगा? नहीं आएगा, पहुंच जाएंगे आराम से। हाईवे तो खाली है ही फिलहाल।
अभी धीरे धीरे शाम ढल रही है, हम बैठे हैं, शानू भाई अपनी गाड़ी चला रहे हैं आराम से, हमारा सफ़र कट रहा है अच्छे से। तो अभी नेक्स्ट भावनगर से, भावनगर का, भावनगर का फाफड़ा खाएंगे, फिर सीधा महुआ। अभी थोड़ी गर्मी कम हुई है सानू भाई, नहीं तो हालत खराब थी हमारी। और ये है नाइट मोड सीताराम का। गाड़ी आ रही है हमारी, एंड ये है होटल शिव कृपा। अभी यहाँ से टर्न ख़त्म होता है और यहाँ से अभी आसिफ भाई आएंगे। तो अभी सानू भाई, अभी आपका टर्न ख़त्म गाड़ी चलाने का, कैसा लगा इतना गाड़ी चला के? गर्मी गर्मी। तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। चलिए फिर खाते खाना। तो सानू भाई, ये होटल तो बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस, अभी निकलने वाले हम लोग। ये देखो, ये है हाईवे जहाँ पे हमें जाना है, एंड दिस इज द होटल विच इज होटल शिव कृपा। एंड देखिए, गाड़ी निकल चुकी है अभी। यहाँ का खाना बहुत ही सही खाना था, बहुत मज़ा आया। हमारे आसिफ भाई आ गए अभी ड्राइविंग सीट पे। अभी शानू भाई जाएंगे सोने और आशीष भाई चलाएंगे गाड़ी। क्या बात,
हमारे आशीष भाई अभी ड्राइविंग करेंगे यहाँ से लेके भावनगर तक। आशीष भाई गाड़ी कैसी दौड़ाओगे? बहुत टाइम के बाद आशीष भाई का नाइट का ड्राइविंग देखने मिलेगा। आशीष भाई को कम से कम 35 साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते, और इनका तो नाइट का एक्सपीरियंस सबसे बेहतर है। शानू भाई को तुरंत नींद आने वाली नहीं है, वापिस फिर अभी उठना भी है उनको थोड़ी देर में, भावनगर आएगा तो। Thank you.
गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4, एग्जैक्ट पहुंचे हैं हम भावनगर, टाइम टू टाइम पहुंचाई है आसिफ भाई ने। आसिफ भाई सैल्यूट है। और ये देखो भावनगर नारी का रोड आ गया है अभी, और नारी गांव आ गया है। ये देखो ये सारे सामने देखोगे तो मसाला वाले जो है वो आपको दिखेंगे, अभी फिलहाल बंद है। और तूफान आने वाला था बात सुनी, लेकिन उतना कुछ था नहीं, लेकिन आएगा जरूर, ये गारंटी है। बज रहे हैं 7, हम है महुआ में।
देखिए गाड़ी लग चुकी है पार्किंग पे। ये है महुआ का रोड, देखिए। और हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। अभी यहाँ से मुझे मेरे गांव जाना है, सो उसके लिए नेक्स्ट बस है। और थोड़ा वेट कीजिए, और एक बस दिखाता हूँ आपको। हमारे आसिफ भाई और सानू भाई, सानू भाई टाइम टू टाइम गाड़ी पहुँचा दी। इसी गाड़ी वॉश करने वाला आदमी, और ये गाड़ी वॉशिंग के लिए, तो अभी गाड़ी साफ वगैरह सब करेंगे। ये काम भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, जैसा नाम वैसा काम, वल्लभ सिंह। तो गाइस अभी हम जाएंगे यहाँ से आगे हमारे घर तरफ। और ये देखिए सामने से राम की रेंजर आ रही है। देखिए ये न्यू बस है फ्रॉम सूरत। तो शानू भाई मिलते हैं बहुत ही जल्द, थैंक यू। और बहुत ही जल्द मिलेंगे शानू भाई के साथ यूट्यूब पे। अभी यहाँ से जो हमारी जर्नी है वो चालू होगी राम ट्रैवल्स में। हमारे अश्विन भाई है। तो अश्विन भाई कैसे हो आप? ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया हो। तो ये सूरत से कहाँ तक चलती है? कोटड़ी, कोटड़ी तक। और ये न्यू बस है जैसा कि शानू भाई ने बताया, ये BS6 मॉडल है अशोक लीलैंड की तरफ से। और अभी हम हमारी जर्नी महुआ से स्टार्ट हुई है टिल माय विलेज। तो हम मुंबई से तो आ गए, अभी थोड़ा और चलना पड़ेगा। तो अश्विन भाई ये गाड़ी कब आई है, कह रहे हैं गाड़ी महीना? तो 2 महीने हुए ये गाड़ी को आके। और इंटीरियर देखिए गाड़ी का, ले लीजिए।